अगर आप पैसे लेते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट देना होगा। और दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूं, क्रेडिट कार्ड आपने बहुत यूज में लिया, बहुत ज्यादा बड़ा बिल हो गया, दे नहीं पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट आ रहे होंगे, कॉल पर कॉल करके आपको परेशान कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लीगल नोटिस भी आपके पास आ गई होगी या आने वाली होगी, और अब आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूं कि आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आएगा नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई रिकवरी एजेंट आएगा नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो आएगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। मैं कह रहा हूं कोई रिकवरी एजेंट आएगा नहीं, और रिकवरी एजेंट के अलावा लीगल नोटिस भी आपके पास नहीं आने वाला। और अगर आप पैसे लेते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप जब चाहे तब पैसे लीजिए और जब चाहे तब पैसे वापस कीजिए। न कोई रिकवरी एजेंट आएगा, न कोई इंटरेस्ट लगेगा। जब चाहे तब पैसे लीजिए और जब चाहे तब पैसे दीजिए, और न ही कोई लीगल नोटिस आने वाला है। बात बड़ी सरप्राइजिंग सी लग रही है, आपको लगता है यार ये पागल हो गया है क्या। मैं पागल नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ। अगर थंबनेल आपने देखा है तो गारंटी के साथ। नहीं, आरबीआई वालों ने कोई छप्पड़ फाड़ कर कोई नई न्यूज या कोई नई खबर नहीं आई मार्केट में, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। एंड बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, हमें से एक बात का ध्यान रखिए, पैसा कमाना और पैसों का अपने पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर इंसान कमाता है और अच्छा खासा पैसा अपनी लाइफ टाइम में कमाता है। जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं वही लोग फंस जाते हैं। खास तौर पर फंसने वाले वो नहीं होते जो गरीब होते हैं, गरीबों के ऊपर कर्ज बहुत कम होता होगा। जो मजदूर वर्ग है उनको कोई कर्ज देता ही नहीं, तो कर्ज होता ही नहीं उनके ऊपर कभी। न उनको कोई क्रेडिट कार्ड देता है, न कोई उनको पर्सनल लोन देता है, इनके ऊपर कर्ज नहीं होता। जिंदगी इनकी बहुत ही मिजरेबल होती है, बट दे डोंट हैव एनी डेट लाइक यू हैव ऑन देयर हैंड। कभी भी ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कर्ज के दलदल में फंस गए, लेकिन ज्यादातर गरीबों के ऊपर कर्ज बहुत ही कम होता। कर्ज तो पढ़े लिखो समझदार इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे होते, इतने इंटेलिजेंट होते, इतने समझदार होते हैं कि वो कर्ज के नीचे आ जाते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कर्ज के नीचे आ जाते हैं और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं। इसके अलावा अच्छी खासी सैलरी है, 60,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, 2,00,000 है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छी चेयर पर बैठते हैं, एयर कंडीशन में काम करते हैं, कार भी आपके पास, लेकिन कर्ज में दबे हुए हैं। वाह, क्या जिंदगी है ये यार। अनबर्डन योरसेल्फ, अपने आप को इस बोझ से मुक्त कीजिए। अच्छा होता अगर आपके पास एक चाय की दुकान होती, अच्छा होता अगर आपके पास एक छोटी सी कपड़े की दुकान होती, अच्छा होता आप पानी पूरी का ठेला लगाते, क्योंकि पानी पूरी का ठेला लगाकर और चाय की दुकान खोलकर भी पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। कर्ज के दलदल में ज्यादातर फंसने वाले ज्यादातर वो होते हैं जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, क्योंकि उनके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन और उनकी जो सैलरी होती है ना, देखने में तो बहुत इंप्रेसिव लगती है पैकेज, लेकिन ये पैकेज जो होता है ना, आपके ख्वाबों से बहुत छोटा होता है, और इसलिए आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिसे आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे यार दिस इज द राइट वे। अगर आप थोड़े ओपन दिमाग से अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे दिस इज द राइट वे। और अगर ये तरीका आप अपना लेते तो आप कभी भी कर्ज के दलदल में नहीं फंसते। और इसलिए आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 0% ब्याज पर आप कैसे कर्ज ले सकते हैं। अब ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूं ना, राइट? तो ये तरीका भी आउट ऑफ द बॉक्स ही होने वाला है। दोस्तों, आप कर्ज लेंगे खुद से आप कर्ज लेंगे, और खुद को आपको इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप खुद से कर्ज लेंगे और उस पर आपको 0% इंटरेस्ट देने की जरूरत है, यानी कि एकदम इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से कर्ज लेंगे तो आप खुद के लिए कोई रिकवरी एजेंट तो भेजेंगे नहीं, खुद के लिए आप कोई लीगल नोटिस तो भेजेंगे नहीं।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक इमरजेंसी फंड की। एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो लगभग आपके 6 महीने का खर्च होना चाहिए। पहले 1 महीने का खर्च, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, इस तरीके से बनाइए। एक ही बार में आप 6 महीने का खर्च इकट्ठा नहीं कर सकते। सपोज कीजिए आपकी मंथली जो आपका खर्चा होता है, सपोज कीजिए आपका मंथली खर्चा है 20,000 रुपये का, तो पहले आपको 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं एंड देन यू आर सिक्योर्ड फॉर 1 मंथ। अब कभी भी जरूरत आई, अगर आपकी नौकरी नहीं रही, आपको कोई भी दिक्कत आ गई, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 महीने का खर्चा बिना किसी से मांगे और बिना नौकरी के परवाह किए आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। 1 महीने में आप दूसरा जॉब खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको ये कोई उपाय निकाल के। उसके बाद इस 1 महीने को बढ़ाकर करना है 3 महीने का, यानी कि आपको 60,000 रुपीज सेव करने हैं, और फिर 6 महीने का यानी कि 1,20,000 रुपये। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर ये इमरजेंसी फंड आपके पास 1 साल का हो देन दैट इज द बेस्ट। और आपको ये काम तुरंत ही एक ही दिन में नहीं करना है, एक आपको पहले टारगेट लगाना है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, सो स्टार्टिंग विद जस्ट 1 मंथ। और अगर आप 1 महीने का 20,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 20,000 रुपये अगर आपका महीने का खर्चा अगर आप नहीं कर सकते, तो कम से कम एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड कम से कम 10,000 का तो रखिए, 15 दिन का खर्चा तो रखिए। क्योंकि कई लोगों के पास 10,000 रुपये अभी इस वक्त जो मेरी वीडियोज देख रहे हैं, कई लोगों के पॉकेट में 10,000 रुपये भी नहीं, मैं कहता 5,000 भी शायद ना हो। कितनी गलत बात है दोस्त। तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, भले ही आप कर्जे में हो। अगर कर्जे में है तो भी आपको पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना है। स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाइए, 6 महीने का नहीं, कम से कम 10,000-15,000 रुपये, एक अच्छा खासा अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट का आप एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाइए एंड धीरे धीरे उसके बाद आप अपने कर्जे को उतारने की कोशिश कीजिए। क्यों कि अगर आपके पास स्टार्टर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको कोई कर्जा तो देने वाला है नहीं। अगर अचानक गॉड फॉरबिड अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, गॉड फॉरबिड इफ यू लूज योर जॉब, गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग हैपेंस, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी मनी। अभी आपको कोई पैसे नहीं देने वाला दोस्त, ये इमरजेंसी फंड उस वक्त आपके काम आएगा। स्टार्टर इमरजेंसी फंड आपके पास उस वक्त अचानक काम आएगा। तो इसलिए कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से आप शुरू कीजिए, आज से ही आपको शुरुआत करनी है, आज से ही आपको शुरुआत करनी है एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड की, जिसमें 1 महीने का खर्चा जो होता है उससे भी कम आपको रखना है। आप डिसाइड कर लीजिए कितना रखना है, फिर 1 महीने का खर्चे के बराबर आपको पैसा इकट्ठा करना है, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने और फिर 1 साल। इट विल टेक टाइम, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन स्टार्टर इमरजेंसी फंड को तो आप इमीडिएट बना ही लीजिए। कैसे बनाएंगे, कोई महंगा फ़ोन है उसे बेच दीजिए, 2,000 रुपये बचेंगे उसमें से। कोई सस्ता फ़ोन खरीद लीजिए, 2,000 रुपये का अगर डिफरेंस है, अगर आपके बचते हैं तो आप उसे उसमें डाल दीजिए। आपके पास 4 घड़ियां हैं, 2 घड़ियां निकाल दीजिए ओएलएक्स पर बनाइए। और अगर आपके घर में कोई पुराना फर्नीचर है तो आप उसे सेल कर दीजिए। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसे आप सेल कर कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं तो आप उसे कीजिए। बट योर इमरजेंसी फंड, योर स्टार्टर इमरजेंसी फंड शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर आप कर्ज के दलदल में है तो। और ये हो जाने के बाद जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आप इसमें से निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी ओनली, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और उसके बाद आप उसमें धीरे धीरे दोबारा उसे रिफिल करना है, ऐसा नहीं कि निकाल लिया और खर्च कर दिया। खर्च करेंगे इमरजेंसी में बट उसे दोबारा रिफिल करेंगे। और ध्यान रखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको लोन मिलेगा, खुद से मिलेगा, कोई रिकवरी एजेंट नहीं आने वाला है, कोई लीगल नोटिस नहीं आने वाली है, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं रहने वाला है। तो जितना चाहे लीजिए और जब चाहे दीजिए, 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं देना, 1 रिकवरी एजेंट नहीं आना, 1 भी लीगल नोटिस नहीं आने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैं एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। और फिर आप कभी भी किसी से कोई कर्ज नहीं लेंगे, लेंगे तो सिर्फ खुद से। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, तो पूरी प्रोफाइलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, अब आप कैसे, जहां खड़े हैं वहां से आप कैसे चले, क्यों रिकवरी एजेंट को कैसे अवॉइड करूं, दिस इज नॉट द राइट वे। कि रिकवरी एजेंट आ गया मैं क्या करूं, लीगल नोटिस आ गया मैं क्या करूं, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने इमरजेंसी फंड बताया, मैं स्टार्टर इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं, दिस इज अ प्रैक्टिकल वे। तो आपको अपनी पूरी फाइनेंस की प्रोफाइलिंग करनी है, आप कितना कमाते हैं, आपको कितना देना चाहिए, देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको जो भी एडवाइस चाहिए, जो भी कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड सर्विस, लेकिन ये पेड सर्विस
आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है एक सही प्लानिंग के साथ। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, कोई आपको बेल चाहिए लोन से संबंधित मामले में, आपके पास कोई सम्मन आया है कोर्ट का, कोई नोटिस आई है वकील की, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, कुछ भी है, कोई केस हो गया है, आपके सिटी के बाहर हो गया, कहीं भी कुछ भी एनीथिंग आपके लोन से संबंधित, अब क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार कंसल्टेशन बुक करने के बाद आपकी आपके मेरी कॉल आपके पास आ जाएगी कुछ ही मिनटों में, और उसके बाद हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और अब आपको वहां से किस तरीके से कहाँ जाना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाए और आपकी जिंदगी बेहतर हो पाए। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, बाय बाय।